तो आज एक और टॉपिक है हमारा अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल यानी मान लीजिए कोई भी वस्तु एक गोलीय पथ पे गति कर रही है, गोलीय पथ पे गति कर रही है, तो वो सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है, सेंटर से जो फोर्स उसको पकड़े हुए है, उसके मध्य है, इसके जो वस्तु एक गोले पथ कर रही है और जो केंद्र के मध्य उसका जो एक बल है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, एक झाड़ू की सींग ली है। क्या ली है? झाड़ू की सींग ली है और उसको मैंने धागे से ऐसे बांध लिया है। बांधने के बाद अब देखिए इसमें ये आलू लिया है। क्या है ये? थोड़ा वेट है और इसको मैंने एक पॉइंट पे लगा दिया। और देखिए छोटा सा खिलौना बन गया है। कैसे बन गया है? देख किस तरीका से कर रहा है ना। तो अब ये किसकी वजह से कर रहा है? कौन से बल की वजह से? अभिकेंद्रीय बल। क्योंकि ये जो उंगली जो एक बल लगा रही है उसकी वजह से इस जो आलू है हमारा कटा हुआ उस पर एक बल लग रहा है, एक बांधे हुए है इसको चारों तरफ भेगा, इसे हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। समझ में आ गया?